बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें और दुनिया व आखिर की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। आज का व्लॉग करते हैं ये शुरू। सुबह का टाइम है, अभी तकरीबन सिर्फ दूध पी के बाहर निकला हूँ ये चारा लेने के लिए। चारा हमारा इधर है, तकरीबन आज का ही खड़ा होगा। क्यों हमने इधर से लिया हुआ, जैसे मैंने पहले बताया कि पट्ठे के बदले हम पट्ठा देते हैं, कि जैसे हम चारा काटेंगे तो हम इसका बदले में चारा ही देंगे। ये देखें, हमने इधर से लिया चारा, ये तकरीबन ख़त्म होने वाला है। इधर से हमने शुरू किया था, ये तकरीबन 10 मरले बनता है, तो हमने ये काट लिया है। तो ये हमारा है जो हमने बिजाई की हुआ है, तो जब ये तैयार हो जाएगा हम ये जो लिए हैं इधर से हम कटवा देंगे। ये तरीकाकार है हमारा। मैं खाली हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना दात्री है ना पलिए वगैरह लेके आया हूँ, क्यों वो जो काटने वाला है साथ है हमारा जो लड़का है वो आएगा, वो सब कुछ लेके आएगा, लेकिन मैं पहले आ चुका हूँ। बस इधर आके बैठेंगे अब थोड़ी सी देर, जब तक वो नहीं आता है, तो जब वो आएगा फिर काटेंगे, फिर लेके जाएंगे इसको। तो वैसे भी मिस्त्रियों का भी टाइम होने वाला है आने का, क्यों वो 8 बजे आते हैं, तकरीबन 7:15 हो चुके हैं, तो बस इतनी देर उनका इंतज़ार करते हैं। काटने में इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ये चरी के हैं, बरसीन के हों फिर ज़्यादा टाइम लगता है, तो चरी के हैं ये तकरीबन 15-20 मिनट में कट जाएंगे, लेकिन जो बरसीन के हैं वो पूरा पूरा घंटा ले जाते हैं हमारे जब काटने हैं। लेकिन उस तरफ जो हमारे बरसीन के पट्ठे थे वो 1 या 2 दिन के खड़े हैं, लेकिन कल वहाँ पानी लग गया तो इसलिए वहाँ नहीं जा सके, इसलिए इधर ही आए हैं। पट्ठे हमारे चले चुके हैं, चारा अब्बा जी लेकर चले गए हैं। अब्बा जी आए थे बाइक पर, वो ले गए हैं, तो मैं कई ले कर आया हूँ। ये चरी है हमारी, इसको पानी लगाना है, कल भी मैंने बताया था पानी लगाना था लेकिन कल मिला नहीं, तो अभी 9 बजे का बता रहे हैं कि अभी मिला पानी, तो बस अभी लगाएंगे। तरकी में सिर्फ बांधना ही है मैंने और कुछ भी नहीं करना है, फिर उसके बाद घर चलेंगे, क्यों नाश्ता वगैरह भी करना है, तो बस ये थोड़ा सा टाइम ही लगेगा। ये पानी अभी शुरू करवाया मैंने, अभी तकरीबन वहाँ तक भी नहीं पहुँचे, तो थोड़ा सा तकरीबन 1.25 घंटा लगेगा जो हमारी चरी है उसको पानी लगने में। तो ये मैंने बनाई है अभी आगे मुकम्मल, ये बनानी बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ से अगर देखो पिछले दिनों पानी छूटा किसी का तो पूरी फसल का सत्यानाश कर दिया उन्होंने, तो इसलिए ये संभालनी बहुत मुश्किल होती है, इसलिए इसको पक्का करना पड़ता है। ये आके बनाई है सबसे पहले, सिर्फ एक ही बनानी थी, तो बस ये बना कर उसके बाद पानी चालू कर दिया है, बस अब पानी ही लगेगा। ये बना रहे हैं जा रहे हैं इंडिया दौड़ना, लेडी फिंगर कहते हैं ना उसको, इस तरह हम जा रहे हैं अभी भिंडी दौड़ने के लिए। पहले पानी लगाया, फिर नाश्ता वगैरह किया मैंने, वापसी पे टूबल पे भी नहाना है हमने। हाँ, इसको उठाया घर से, सोया हुआ था तो इनके यहाँ पिंडी लगी हुई है, तो इसलिए दौड़ने के लिए आए। वो भी आपको दिखाएंगे कैसी होती है लेडी फिंगर, तो थोड़ा पता ही नहीं ना, यही देखी होगी यार, खेत खेत चला नहीं देखी होगी। भिंडी की फसल मुकम्मल, जहाँ से हम भिंडी तोड़ने के लिए आए हैं, ये देख हमारे हाथ खराब हो गए, ये तोड़ने से पता नहीं क्या खारिश, इतनी बुरी सी खारिश होती है ना, बहुत उलझन सी हो रही है। वो लटका के आ रहे हैं बाइक पे जो तोड़ी है हमने, तो इधर भिंडी भी है और ये गवारे की फली लगी हुई है, और माशाल्लाह काफ़ी भिंडी लगी हुई है इधर। ये इनका खूह है छोटा सा, तो यहाँ सारे मकान इनके कच्चे हैं। चौबदी भैया हम जब छोटे होते थे उस वक़्त आए थे इस घर में, बहुत ही ज़्यादा छोटे होते थे, गालबन तकरीबन जिन्हें बकरी का बच्चा नहीं था डैडा। हाँ, तू बकरी का बच्चा ही बना दे ये बहुत छोटे होते थे, तकरीबन 8-9 साल की उम्र में थे जब हम इधर आए थे, बस उसके बाद आज चक्कर लगाया, तो मकान वैसे ही इनके कच्चे हैं। इनको गर्मी काफ़ी लग रही है, इन्होंने नहाने का कहा है कि वापसी पे टूवल पे नहाना है इन्होंने, क्यों मैं तो नहीं नहा सकता। हेलो,
कद्दू का मौसम ने हुण तो पहले ला लेंदे हुण तो नहीं लगने पहले लाने से ना अगर लाने से अगे तो गुवारे की फली लगी हुई है आ कद्दू तोरी है पाथियां मेन आप नहीं पता की कहते पुछ के आई की कहते